हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाताशेर गोटी बारले बायो चाप कॉमी जाए। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, हम अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, जो विंड मतलब क्या होता है, जो हवा बहती रहती है ना, अगर विंड का स्पीड हाई, यानी विंड का स्पीड अगर बहुत ज्यादा होता है ना, ठीक है, किसी एक जगह का अगर विंड का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, तो उसके साथ क्या होता है, उस जगह का एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, लो होता है। ठीक है, बाताशेर गोटी बारले वायु चाप कमे जाए। ठीक है, यानी अगर किसी एक जगह का विंड का स्पीड अगर बहुत ज्यादा है, हाई है, तो उसी जगह का क्या होगा, एयर प्रेशर कम होगा, यानी लो होगा। तो बच्चों, ये रहा है खाली का प्लास्टिक का बोतल। ठीक है, ये खाली प्लास्टिक का बोतल, अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये मैंने कागज का टुकड़ा लिया है, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो कागज का टुकड़ा। ठीक है, इसे मैं क्या करूंगी, जो बोतल है ना, बोतल के मुंह के अंदर इसको ऐसे रख दूंगी। ठीक है, ये मैंने रख दिया ऐसे। अब इसमें मैं दूर से ही हवा का फूंक मारूंगी। ठीक है, देखो कैसे नीचे गिर गया कागज का टुकड़ा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? देखो बच्चों, जब मैंने कागज के टुकड़े को यहाँ पे दिया और मैं जब दूर से, देखो फिर से नीचे गिर गया ना, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब इसमें हवा में से फूंक मारी थी तो यहाँ का प्रेशर जो है ना, इस साइड का प्रेशर जो है ना, इस साइड का हवा का स्पीड बहुत ज्यादा है। देखो हवा का स्पीड इस साइड बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रेशर कम है इस साइड, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो ये प्रेशर यहाँ से धकेलता है और जिसके वजह से कागज नीचे गिर जाता है। तो बच्चों, जब हम बोतल के मुंह पर कागज का टुकड़ा रखते हैं, ठीक है, और जब हम अपने मुंह से उस पर हवा देते हैं या फिर हम उस पर फूंक मारते हैं ना, तो क्या होता है, उस समय वो जो हवा का स्पीड होता है, जो बाताशेर गोटी, वो बेशी होता है। ठीक है, हवा का स्पीड ज्यादा होता है, जिसके वजह से हमारे मुंह और बोतल के, ठीक है, बोतल के बीच का जो एयर प्रेशर होता है, जो वायु चाप होता है ना, वो बहुत निम्न होता है, लो होता है। ठीक है, और बोतल के अंदर तो कोई विंड नहीं है, कोई बाताशेर गोटी नहीं है, जिसके वजह से तो बोतल के अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उच्च वायु चाप होता है, हाई एयर प्रेशर होता है। तो बोतल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो प्रेशर क्या करता है, जो कागज जो है ना, जो बोतल के मुंह के सामने जो कागज है, उसको वो प्रेशर क्या करता है, नीचे गिरा देता है। ठीक है, तो अब समझ में आया वो कागज का टुकड़ा क्यों नीचे गिर जाता है, क्योंकि जब विंड का स्पीड ज्यादा होता है, यानी जब बाताशेर का गोटी बेशी होता है, तो उस जगह का एयर प्रेशर वायु चाप निम्न होता है और बोतल के अंदर का जो वायु चाप है वो ज्यादा होता है उसके मुकाबले, जिसके वजह से जो बोतल के अंदर का जो वायु का जो चाप है वो क्या करता है, कागज पर प्रेशर डालता है और वो प्रेशर की वजह से वो कागज का टुकड़ा बोतल के नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, इससे हमने क्या सीखा कि बोतलের মুখে যখন আমরা ফু দিয়ে তখন বোতলের মুখের সামনে বাতাসের গতি বেশি হয় বলে মনে হয়। এটার কারণ সেখানে বায়ুর চাপ কমে যায়। বোতলের ভেতরের বায়ুর চাপ বোতলের মুখের বায়ুর চাপের তুলনায় বেশি। বোতলের ভেতরের বায়ুর চাপের ফলে কাগজের বলটি বেরিয়ে আসে। ঠিক আছে, সুতরাং বায়ুর গতি বাইরে যাওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর চাপ কমে যায়। ইয়ানি বচ্চো, আগর উইন্ড কা স্পিড জাদা হোগা তো উসকা এয়ার প্রেশার কিয়া হোগা, কম হোগা। ঠিক আছে, তো ইয়ানি হাম কিয়া সমঝে, বাতাসের গতি বাড়লে বায়ুর চাপ কমে যায়। ইস পয়েন্ট কো হামেশা ইয়াদ রাখনা। তো বচ্চো, আপ লোগো কে সায়েন্স বুক মে অর এক অ্যাক্টিভিটি হ্যা। ऐसे देखो बच्चों, मैंने ऐसे पतला सा कागज लिया है, ठीक है, ये कम से कम 20 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो इसे क्या करो, अपने मुंह में ऐसे रखो। ठीक है, मुंह में ऐसे रखा और हवा दो अभी। आप लोग एक चीज देख रहे हो बच्चों, जब मैं हवा देती हूँ कागज ऐसे ऊपर जाता रहता है। देखो फिर से मैं दे रही हूँ, आप लोगों ने देखा ना बच्चों किस तरह कागज ऐसे ऊपर जा रहा है।
मैं हवा तो इधर दे रही हूँ ना बच्चों, मैं हवा इधर दे रही हूँ, लेकिन कागज मेरा ये नीचे वाला कागज ऐसे ऊपर उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस साइड हवा का स्पीड ज्यादा है, लेकिन प्रेशर क्या है इस साइड? इस साइड प्रेशर कम है। जिस साइड हवा का स्पीड ज्यादा होता है वहां पे हवा का प्रेशर कम होता है। इस साइड, लेकिन इस वाले एरिया में ठीक है, हवा का जो प्रेशर है वो कम है, तो ये कागज को इसलिए ऊपर ऐसे धकेल देता है। ठीक है, देखो अब। तो बच्चों इससे हम क्या सीखते हैं कि जब भी हम कागज के टुकड़े को ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, हम कागज का जब हम फीता बनाते हैं ठीक है, जो टुकड़ा होता है, जब हम उसे अपने मुंह के अंदर लेते हैं और जब हम हवा से उसे फूंक मारते हैं ठीक है, तो उस जगह का जो स्पीड होता है, जो हवा का जो स्पीड होता है, जो बाताशीर का जो गोटी होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है ठीक है, जिसके वजह से उस जगह का जो वायुचाप बहुत कम होता है ठीक है, निम्न वायुचाप होता है ठीक है। तो जिस जगह का एयर स्पीड ज्यादा होगा उस जगह का एयर प्रेशर कम होगा ठीक है, जहाँ पे स्पीड ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा ठीक है। तो लेकिन कागज का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है ना, तो नीचे वाले भाग में क्या होता है, जो बाताशेर का जो छाप होता है, जो वायु छाप होता है ना, जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वो हाई एयर प्रेशर होने की वजह से वो जो कागज के जो नीचे वाले भाग को ना ऊपर की तरफ ऐसे ढकेल देता है, इसलिए वो कागज का टुकड़ा जो है ना वो ऊपर की तरफ ऐसे उड़ने लगता है ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला जो एक्टिविटी है, यानी ये वाला जो क्रियाकलाप है, इससे हमें क्या समझ में आया कि बाताशेर गोटी बाढ़ले वायुचाप कमे जाए ठीक है, यानी जहाँ पे विंड का स्पीड ज्यादा होगा, जहाँ पे बाताशेर गोटी बेशी होगा, वहां का वायुचाप निम्न होगा, यानी क्या होगा, लो एयर प्रेशर होगा। और जहाँ पे विंड स्पीड कम होगा, जहाँ पे बाताशेर गोटी कम होगा, वहां का एयर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्या होगा, उच्च वायुचाप होगा ठीक है, इसे हमेशा याद रखना। तो स्टूडेंट इससे हमने क्या सीखा, कागजेर चिल्टेर ऊपर दिए जखन वायु प्रवाह करा हय तखन कागजेर चिल्टेटी ऊपरेर दिके उठे, कारण फू देयार साथे साथे कागजेर ऊपरेर वायुर गति बाढ़े एवं वायुर छाप कमे जोयार फले एरूप घटे। तो बच्चों जैसे ही हम कागज के टुकड़े को अपने मुंह पर लेते हैं और हम हवा देना स्टार्ट करते हैं ठीक है, जब हम उस पर फूंक मारते हैं ना, तो उस जगह का बाताशेर गोटी यानी विंड का स्पीड, हवा का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो उस जगह का जो वायु चाप है वो उसका कम कर देता है, यानी लो एयर प्रेशर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो कागज का जो नीचे वाला भाग होता है ना, उसमें क्या होता है, जहाँ पे हवा का स्पीड नहीं होता है तो वहाँ का एयर प्रेशर ज्यादा होने लगता है, और जिसके वजह से कागज क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर क्या करता है, उसको कागज के टुकड़े को ऊपर उठा देता है ठीक है। बच्चों हम और एक एक्टिविटी यानी और एक क्रियाकलाप देखते हैं ठीक है, आपने दो बैलून लिया है ठीक है, और उस बैलून के अंदर आपने हवा भर दिया है और उसको दोनों बैलून को आपने रस्सी से बांध दिया है ठीक है, लेकिन बैलून के बीच में आपने थोड़ा सा जगह रख दिया। अब आप क्या करोगे, बैलून के बीच में से आप ऐसे हवा का फूंक मारोगे, तो उधर क्या होगा बच्चों, वहाँ पे विंड का स्पीड ज्यादा होगा लेकिन एयर प्रेशर यानी जो वायु चाप होगा वो क्या होगा, निम्न होगा। अब क्या होगा बच्चों, देखो जो बैलून के जो दोनों तरफ है ना, किनारे की तरफ, तो वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे ज़्यादा एयर प्रेशर होगा तो वो क्या करेगा, कम प्रेशर की तरफ प्रेशर धकेलेगा कि नहीं धकेगा, उस पर जोर देगा कि नहीं देगा, तो हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, जो दोनों बैलून है ना वो आपस में ऐसे टकरा जाएंगे ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे हमें क्या समझ में आया कि जहाँ पे विंड का स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे वायु का छाप यानी कम होगा, और जहाँ पे विंड का स्पीड यानी जहाँ पे बाताशेर गोटी कम होगा वहाँ पे क्या होगा, वायु चाप ज़्यादा होगा ठीक है। बच्चों हमने जो ये तीन एक्टिविटी किया ना, इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि जो हवा जो होता है ना, एयर मूव्स फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर, यानी जहाँ पे ठीक है, तो हवा कहाँ कैसे प्रवाहित तो होता है, हवा हमेशा उच्च वायु चाप से होकर वो निम्न वायु चाप की तरफ जाता है, यानी जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो किस तरफ जाएगा, हवा, जहाँ पे प्रेशर कम होता है ठीक है। तो हवा हमेशा क्या होता है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है ना
वहां से होकर वो कहाँ पे जाता है, जहाँ पे प्रेशर कम होता है। इसलिए देखा नहीं आपने, देखो वो बोतल वाला जब हमने किया था तो बोतल में क्या था, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसने क्या किया, जो कागज के जो मुंह की तरफ है प्रेशर कम था तो उसने तो वो वायु एयर प्रेशर ने क्या कागज को नीचे की तरफ धकेल दिया। वहीं पे वही देखो जो कागज को जो मुंह के कागज का जो फीता जब हम मुंह पे रखते हैं ना, तो देखो उस समय क्या हुआ था, वहां पे कम एयर प्रेशर था, लेकिन हाई प्रेशर होने की वजह से क्या हुआ, हाई एयर प्रेशर ने लो एयर प्रेशर की तरफ उसको क्या किया, ऊपर ढकेल दिया कागज को। बलून में भी वैसे ही हुआ था, लो एयर प्रेशर था जब हमने हवा का स्पीड दिया था बलून के बीच में, लेकिन दूसरे तरफ क्या था, प्रेशर ज्यादा था, इसलिए उसने बलून को धकेल दिया। ठीक है, तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे वायु की भावे प्रवाह करे, वायु से जागे थे के बोलते शुरू करे, जेखाने वायुर चाप अन्य जागार तुलना बेशी, वायुर चापे पार्थक्य जत बेशी हय तत जोरे बाताश बोलते शुरू करे। यानी हवा उस जगह से बहता है जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, जहाँ पे वायुर चाप ज्यादा होता है, तो वहां से हवा बहकर कहाँ पे जाता है, उस जगह में जाता है जहाँ का वायु का चाप यानी जहाँ पे एयर प्रेशर लो होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना बच्चों। तो स्टूडेंट मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको आज जो भी पढ़ाया है इस वीडियो में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को और अच्छे से देखते रहना स्टूडेंट, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।